Buraya girişi puanı dinlemesini biraz bakmak lazım. Hazırlığından önce size mesela biraz anlatayım ki bu ağaç kullanıcının akıllarına ne hepsini başlıyor. Yine ama dışında kullanısal bu elveda akıllarına geliyor. Mesela kadar da ben çağırıyorum canlı firmaya gitmek için zaten bu var. Canlı firmaya da zaten bu var. Bir şeyler yarayıp geliyor. Bir yer kullanıcı ise hiç elveda akıllarına तो असल खासा भी आपका भी एक अच्छा अनुभव से यहाँ पर सभी रहे और पाकिस्तानी की मदद की ना सिर्फ अपने मिशन के दृष्टि में थी बल्कि असल के दृष्टि में थी और यकीनन इस कम्युनिटी के साथ उन्होंने बहुत अच्छे अपने लम्हात बिताए होंगे तो उन्हीं लम्हों की बात करने के लिए मैं आप चंद एक कम्युनिटी मेम्बर सुनता हो तो उन्होंने स्टेज पर तशरीफ लाए और दो तीन में मुख्तसर मौलाना साहब के बारे में बात करें सबसे पहले हम दावत ऑफिस और वो जैसे कहते हैं आते हुए अजाम ही जाते हुए नमाज इतने करीब वक्त में आए थे और चले गए जिंदगी की हकीकत इतनी है कि इंसान आता है तो उसके काम में अजाम दी जाती है जब जाता है मुसलमान तो उसकी नमाज जनाजा अदा की जाती है तो मैं समझता हूँ कि वो खुश नसीब लोग हैं कि जिनको नमाज जनाजा में का मौका मिलता है और इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और उनको अपनी दुआओं के साथ और अपने उस तमाम एहसास और जज्बात के साथ उनको अल्लाह के सपोर्ट करते हैं तो मैं अपनी तरफ से असलम खान साहब की फैमिली को और अपनी बेटियों को और हमारी भाभी जान और उनको बहुत महसूस मेरी इजहार करता हूँ असलम खान साहब जो थे वो बहुत ही एक महारत और बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेट थे हमारे दोस्त मलिक फतेह मोहम्मद साहब चेयरमैन थे एक हॉस्पिटल का काम हो रहा था उन दिनों तो उसमें वो बहुत एक्टिव रहते थे और जब भी कभी उनको आवाज़ दी जाती थी तो वहाँ पर फौरन पहुँचते थे और उसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश जो है पूरी फिर बात पेश करते थे यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा ही मौका दिया कि वो कम्युनिटी के सामने ही इधर ही उनका आखिरी सफर जो है शुरू हुआ है और वैसे तो कहते हैं कि हम गमगीन आदमी होते हैं जब भी किसी की मौत होती है वो कहते हैं कि इंसान पूरी इंसानियत जो है ये एक एक रिश्ते में ऐसी परोई हुई है कि जब भी जिस्म एक जिस्म की मानद है कि जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ पहुँचती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है और वैसे वो जिस शायर ने भी कहा है कि ह्यूमन बीइंग इज नॉट एन आइलैंड इंसान जो है ये कोई आइलैंड नहीं है ये पूरा एक पूरी इंसानियत एक जिस्म की मानंद है कि जब किसी को दुनिया के किसी हिस्से में अगर कोई तकलीफ होती है किसी की डेथ होती है तो पूरी दुनिया जो है उस हम को शर्म को महसूस करती है आपने देखा होगा कि अभी दुनिया में जहाँ जहाँ भी तकलीफ है जहाँ जहाँ इंसानों पर जुर्म हो रहा है जहाँ जहाँ इंसानियत तकलीफ में है तो उसका दुख जो है उसका आलम पूरे इंसानियत को पूरे पूरी दुनिया में महसूस हो रहा है तो यही जो है वजह है कि आज असलम खान साहब के जाने की वजह से हम पूरी कुवैत की कम्युनिटी बहुत हसीन है और बहुत अफसोस का इजहार करती है हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी सफर की आखिरी मंजिलें जो है वो आसान करें और उनको जो है अल्लाह के बारगाह में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अदा करें और उनकी फैमिली को उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अदा करें और हम अम्बेसी का भी अम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान मलिक मोहम्मद फारूक साहब का और तमाम अफसरान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसका इंतमाम किया इस मजलिसे अदा का और कम्युनिटी को मौका दिया कि वो इसमें शामिल हो सकें और दुआ कर सकें उनके लिए आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मैं मोहम्मद असलम खान साहब की पूरी फैमिली को दिली तहज़ीब पेश करता हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरीके से मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ उनकी बात को ख़त्म करूँ मेरे साथ उनके तल्लुकात इतने करीबी थे कि जब भी कोई फंक्शन होता तो मैं जब भी उनको दावत देने के लिए जाता तो कहते हैं भाई साहब आप क्यों आए
मुझे कॉल कर रहे थे, तो इतना अच्छा सलूक कम्युनिटी के साथ घुल मिल जाना, मेरा जितनी जल्दी वो कम्युनिटी में आके घुल मिल गए थे उसका सबूत बहुत कम मिलता है। मैं कहता हूँ कि वो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक के मुबारक महीने में उन्हें अपने पास बुलाया है। अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करें, उनकी फैमिली को सब रज़ी अता फरमाए। और मैं सुसन मास्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस महफिल का इंतजाम किया। ये हमारा फ़र्ज है और बल्कि जाने वाले का कर्ज होता है कि उनके लिए ऐसी महफिलें सजाई जाए, उनके लिए दुआ की जाए और उनकी मंजिलें अल्लाह ताला आसान फरमाए। बहुत सी बातें की जा सकती हैं क्योंकि मेरे साथ आप जानते हैं कि बहुत करीबी ताल्लुक था उनका। उनके सफारत खाने से फारग होने के बाद भी उनसे रابطہ रहा, अक्सर हम टेलीफोन पे भी और अक्सर मुलाकातें भी रहीं। दिल बहुत दुखी है लेकिन उन दुख उस दुख को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ दुआएं की जा सकती है कि अल्लाह ताला उनकी मंजिल आसान फरमाए। और मुझे यकीन है कि वो अल्लाह ताला के पास जब जाएंगे तो वो इंशाअल्लाह जन्नती हालत में जाएंगे। रमजान मुबारक के महीने में जो भी इंसान जाता है अल्लाह ताला की खास रहमत उसके ऊपर होती है। और फिर भी हम दुआ दो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मंजिल आसान फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। और वैसे भी पूरी जो आसान फरमाए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले उनके बच्चों से बेटियों से मैं नियत करता हूँ अल्लाह ताला उनको सफर दे, अगली उनकी मंजिल शांत करें। मैं कह रहा हूँ कि हमारे से बहुत जल्दी चले गए हैं, उनका जो दुख है उनके बच्चों को है शायद किसी को। दूसरी तरफ हमारी जो मैसी है जो इन्होंने ये काम कर दिखाया, मैं उनको सफर तस्वीर पेश करता हूँ खूबी तरफ सभी सबको और उनकी टीम को और उनके बच्चों को। तो अल्लाह ताला जितना भी सब्र दे काम है अल्लाह ताला बड़े रहमत में जगह दे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके बच्चों को सब्र दे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनका अमीर नसर हो। मेरी सबसे बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे टाइम बहुत कम है। बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है जिसमें हम आज से गुजर रहे हैं। हमारा अम्बेसडर असलम साहब है वो फॉरन सर्विस की फैमिली का हिस्सा थे और मेरे लिए ये दुख इसी तरह ही है जिस तरह मेरे अपने घर का एक इस दुनिया से रुखसत हुआ है। क्योंकि हम जब फॉरन सर्विस ज्वाइन करते हैं तो जितने भी सीनियर्स हों या जूनियर्स हों हम आपस में एक दूसरे को बिल्कुल एक फैमिली के अंदर आगे ट्रीट करते हैं। और सीनियर थे हमारे एक बेहतरीन ऑफिसर और एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरा बहुत थोड़ा उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा मिनिस्ट्री में और लेकिन अदरवाइज जो उनके बैचमेट्स हैं या जिन्होंने उनके साथ काम किया बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। यहाँ जब मैं आया तो जो उनका जो अपना डिजोर है एज एम्बेसडर कुवैत में वो भी कम्युनिटी ने हमेशा याद रखा है। उनके जितने भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी वो भी काफ़ी काफ़ी तारीफ है। ये बड़ा मुश्किल लम्हा है और क्योंकि ज़िंदगी की हकीकत है मेरा ख्याल में ये एक और किसी इंसान के नेक होने की बड़ी क्लियर कट निशानदेही है या इंडिकेशन है। मैं आज के दिन अदरवाइज भी मेरे लिए बड़ी तकलीफ का दिन है कि 16 अक्टूबर 2022 आज के दिन मेरी वाइफ दुनिया से रुखसत हुई थी। तो आज अभी जब हॉस्पिटल में थे तो मैं अभी भी उसी कैफियत में हूँ। बरहला मेरी दुआ है अल्लाह ताला लोगों को सब्र अता फरमाए और ये एक फैक्ट है जिंदगी का सामने जाना है लेकिन बहुत मुश्किल होता है।
खासकर जब अपना कोई चला जाए तो उसके दुख को बोल देना सबसे आसान है, लेकिन फील जो है वो सिर्फ रियली फॉर द फैमिली के जी हो इट हर्ट्स, लेकिन लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेंस के जी जिंदगी है और एक ने अपने अपने टाइम पे चले जाना इस दुनिया से। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और आप सब लोगों को भी सब्र अता फरमाए। हमारे नए एम्बेसी में अगर आप लोग किसी तरह का भी कुछ हो फैसिलिटेशन हो, हम जितनी है कोशिश है वो भी कर रहे हैं, आगे मिनिस्ट्री भी उसमें पहमा जो लोड है इंशाल्लाह ताला। और मैं आप सब लोगों का भी मशहूर हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाएँ और जितनी भी ज़्यादा दुआ करेंगे वो अपने लिए भी मकसद का बायस बनेगी और हमारे साथी जो हमारे दोस्त हमारे मेरे जो सीनियर हैं मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा काबिल इत्मीनान है। आप सब लोग उनके साथ यहाँ पे रहे हुए वक्त गुजारा हुआ है तो आप सब लोगों में भी उनकी इंसानी जो खलूस और जो उनका अच्छा तरीका रहन सहन था वो भी हमने देखा हुआ था और उनकी जो मंजिलें हैं जितनी और वो सब आसान करें और क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमाए। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गिर में सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मोहम्मद शबीर साहब से कि वो अशरफ खान के साहब के लिए दुआ मगफरत करवाएं और क्योंकि उसके बाद कुछ पापा के लिए गिरफ्तारी का दर्ज रखता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं खुशी तौर पर इस माना पाकिस्तान का और बाजी और बेटियों का इंतहाई मशहूर हूँ कि हमें मौका मिला उनकी दुआ के लिए और बख्शिश की मुफ्त के लिए। आज का दिन हम नाम मुबारक का दिन अल्लाह तबारक तआला मुख्तर वायद है कि एक नेकी को 700 मरतबा बढ़ा देता है और उस पर भी अल्लाह चाहे तो उससे ज़्यादा अजर पैदा करता है। तो मैं वक्त बहुत कलील है लेकिन आप कोशिश पढ़ लें और किसी का इंशाल्लाह 700 मरतबा अल्लाह की रूपा को सारे स्वाब के तौर पर पहुँच जाए। तेरी इमानत देने वाले अपने फजल और करम से जितने मुसलमान इस दुनिया से चले गए सबकी मदद करो। बिलखसूस बिलखसूस असलम खान साहब या अल्लाह के साथ हमारा वक्त गुजरा है बहुत करीब से ही गुजरा है उनके साथ इंतहाई मोहब्बत करने वाले बेजरब शख्सियत इस दुनिया से गए हैं या अल्लाह। इस पाक औकात में या अल्लाह उनकी कब्र को ज़्यादा फरमा दे उनको कब्र कब्र आराम नसीब हो हर किस्म के इम्तिहान से उनको परेशानी से महफूज रखना या अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत क्यारी में से क्यारी बना दे या अल्लाह दुआ है कि उनको सब्र जमील अता फरमा या अल्लाह के हमें तौफीक दे कि हम अपनी गाँव में उन्हें शामिल कर सकें या अल्लाह उन्हें क़यामत तक कब्र में आराम नसीब हो और आखिर में या अल्लाह इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा दे उसमें जब अता फरमा अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात الأحياء منهم الأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.